भाई क्या मौसम हो रहा है सामने, 100% स्नोफॉल हो रही है खारदुंगला में, 100% खतरनाक वाला स्नोफॉल हो रहा है, बहुत भयंकर भयंकर वाला। जो गाड़ी आ रही है ना, लटपट आ रही है स्नो में। भाई हमने सुना था कि लेह में बारिश नहीं होती, लेकिन ये देखो रात को तो बारिश हो रखी है पूरी, बढ़िया। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज है हमारे इस टूर का छठा दिन और हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं। आज जाएंगे नुब्रा वैली, रस्ते में रुकेंगे खारदुंगला। ये हमारा इस टूर का चौथा पास होगा और आज का पहला पास होगा, और इस टूर का सबसे हाईएस्ट पास है। हाँ, और सबसे हाईएस्ट पास है इस टूर का। ये भाई पांचवी टंकी फुल करवा रहे हैं, मतलब पांचवी बार टंकी फुल करा रहे हैं लेह से, और यहाँ पे है 89.19 का रेट। भाई डीजल फुल कराने के बाद लग गए लगभग सब लोग कॉन्वॉय में, और अभी एक दो गाड़ियों का वेट हो रहा है, बाकी पांच छह गाड़ी हमारी आ चुकी हैं। ये भाई निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, और कल स्नोफॉल हुआ था खारदुंगला में, आज भी चांसेस है स्नोफॉल मिलने के। हमारी टोटल 16 गाड़ियों में से दो गाड़ी तो वापस चली गई हैं, एक तो संजय जी चले गए एंडेवर 1400 नंबर, और एक लाल मॉडिफाइड थार वाले राहुल जी वो चले गए, दोनों वापस चले गए। बाकी जितनी गाड़ियाँ उनमें से अभी तो खैर 9 दिख रही है मुझे कॉन्वॉय में, बाकी उन्हें अभी कॉन्वॉय ज्वाइन नहीं किया। बोलो सर। आज हम क्या है एकदम स्टीप चढ़ रहे हैं, मतलब 12.5 से 17.5 पे जो चढ़ रहे हैं ना, वो एकदम तेजी से चढ़ रहे हैं, क्योंकि एक घंटे के अंदर अंदर हम ये चढ़ाई करेंगे, तो अपने को एहसास होता है कि हाँ भाई जैसे बोलने में या हल्का फील होने लगा है कि सांस भरने लगता है। तो यहाँ पे पानी पीने का भाई स्पेशल ध्यान रखना है कि हर थोड़ी देर में एक एक घूंट पानी पीते रहो, ताकि बॉडी में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन पहुँचता रहे। भाई देखो सामने क्या नज़ारा आ गया, पूरा हल्की हल्की बर्फ है, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ नहीं गिरी हुई, पर पहाड़ों के ऊपर ये फ्रेश स्नोफॉल है जो एक दो दिन के अंदर अंदर हुई है, एकदम ताजा, क्योंकि बहुत हल्की हल्की गिरी हुई है। और ठीक सामने वो जो पहाड़ है उसके ऊपर तो दिखाई भी दे रही है कि स्नोफॉल हो रही है इस टाइम पे, मतलब माहौल बना हुआ एकदम शानदार। ये भाई हम पहुंच गए हैं साउथ पुल्लू, यहाँ पर एंट्री वगैरह होगी, उसके बाद वो आगे खारदुंगला के लिए छोड़ेंगे। भाई आर्मी वाले भी खुद स्नो चेन बांध रहे हैं सारे, ये देखो सब स्नो चेन बांध के तैयारी कर रहे हैं, आगे स्नोफॉल है भयंकर वाला। ये देखो भाई स्नोफॉल शुरू हो गया है, शानदार मजेदार। टेम्पो ट्रेवलर तो धुआं छोड़ रहा है, मुझे लगता है अपनी सारी गाड़ियां निकल ही जाएंगी, क्योंकि 5-6 तो दिखने लग गई है, बाकी शायद पीछे आ ही रही होंगी। ओए होए मजा आ गया भाई, स्नोफॉल मिल गई, स्नोफॉल जून के महीने में, कहाँ राजस्थान की लू से आए हैं और कहाँ शानदार मौसम। गाड़ी ने भी टेम्परेचर दिखा दिया 1 डिग्री और वो साइन आ गया स्नो वाला, गजब भाई गजब माहौल हो रहा, गजब गजब। भाई आगे देखो लेफ्ट साइड की तरफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ वाइट ही वाइट दिख रहा है, मतलब पहाड़ है, खाई है, क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा लेफ्ट साइड में तो। और स्नोफॉल बढ़ती जा रही है, मतलब उसकी डेंसिटी तेज होती जा रही है। अपने आगे 5 गाड़ियां चल रही हैं अपने क्लब की, और पीछे भी 4-5 पीछे दिख रही हैं, बाकी शायद 2-3 रह गई हैं जो अभी हमारे साथ कॉन्वॉय में नहीं आ पाई है। ये देखो भाई माहौल, ओए होए क्या शानदार स्नोफॉल हो रहा है। ये अपनी गाड़ियां सारी, पता नहीं भाई कैमरे में कितना क्लियर आ रहा है, और बोलने में और चलने में सांस भी फूल रहा है, ये देखो। भाई साहब मजा आ गया, मजा आया ना, पैसे वसूल हो गए भाई साहब, बिल्कुल हो गए। कॉन्वॉय हो गई इकट्ठी स्नोफॉल में, आगे जाम लगा हुआ इसलिए रुके हुए हैं। अपनी सबसे पहले फॉर्च्यूनर, फिर इसुजू, फिर अपनी गुजरात नंबर फॉर्च्यूनर, फिर 6500 नंबर थार, फिर अपनी आ गई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, थार थार, लगभग आ गए हैं। 2-3 गाड़ियां ही छोटी हैं बस, भाई लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये अपनी पंजाब की बड़े टायर वाली,
भाई ये आप मतलब ये तो गलत बात है ना भाई, ये बोल रहे ना। सब स्नो चेन बांध रहे हैं, ये इको वाला भी स्नो चेन बांध रहा है, 4x4 लिए ना ट्रक्स भी स्नो चेन बांध के ही चल रहे हैं। भाई यहाँ के लोकल्स के साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, उनको ये लगता है कि जो बाहर से आए हुए हैं मतलब वो हम कोई दूसरे देश से विदेश से आए हुए हैं, उनका रवैया ऐसा रहता है कि मतलब ऐसे दूसरे फॉरनर्स की तरह ट्रीट करते हैं हमारे साथ। बोले हम लोकल हैं, लोकल का मतलब भाई हम भी अपने देश में ही है ना, और कह रहे हैं कि हमें ऐसे टूरिस्ट नहीं चाहिए। हाँ कह रहे हैं हमें टूरिस्ट नहीं चाहिए, सिर्फ टूरिस्ट के उसी दम से चल रही है। हाँ और मतलब पैज में चलते हैं, पैज में पता नहीं ना है ना, तो इन लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये है भाई इनकी बीमारी, मतलब लद्दाख नंबर का टेम्पो है ये, साइड में ओवरटेक करके इसने एक और लेन बना ली है। कहाँ पे? यहाँ पहाड़ पे जहाँ ऑलरेडी मतलब स्नो गिरी हुई है, गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, वहाँ ये भाई ओवरटेक कर रहा है। मतलब इसको जल्दी पहुंचना, पता नहीं कहाँ पहुंचना है। ये है भाई खारदुंगला पास, और यहाँ पर ये सुनते रहना और बिल्कुल पैनिक नहीं होना। मैं शुगर की पेशेंट हूँ पर मुझे कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो ये है भाई खारदुंगला पास, मतलब इसकी जो हाइट है वो इक्विवेलेंट टू माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है जो नेपाल में है उसके बराबर है। अरे बेटा तू आराम से, तेरे को नहीं लग रहा तू जवान छोरा है। और इस तरह से एवरेस्ट के बेस कैंप है उसकी भी सेम हाइट है, 17,982 फीट के ऊपर है भाई ये। भाई यहाँ इस बोर्ड के पास फोटो खिंचाना मतलब एक टोकन सिस्टम रख देना चाहिए, एक मशीन लगा दो उससे टोकन निकाल लो, टोकन भाई सबकी फोटो खिंचा लो, वरना तो नंबर आना मुश्किल है। सब भाई लोग जल्दी जल्दी जल्दी, डॉक्टर साहब वेटिंग लाइन में लगे हुए हैं। भाई क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, क्या बढ़िया, बर्फ ही बर्फ ही, किसी ने स्नोमैन भी बना रखा, कपड़े लत्ते पहना रखे राइट साइड का, टोपी हेलमेट लगा रखा है। ओ भाई हेलमेट छोड़ी गया यहीं पे बंदा, या तो कुछ ऐसे ही होगा वो बना रखा हो। ये भाई यहाँ का क्या बोलते हैं इसको, लोकल पशु याक है ना, इसी से दूध और ये मतलब काम देनु है यहाँ का, जो चीजें मिलती हैं यहाँ पे क्योंकि हाई राइज उस पे यही काम करता है भाई, यही जानवर इनके काम आता है। आगे भाई जेसीबी कुछ कंस्ट्रक्शन के काम के लिए वो साइड के पहाड़ को तोड़ रही है, इसलिए ट्रैफिक रोक रखा है, हम लोग यहाँ रुक गए हैं, ये सारी गाड़ियाँ लाइन अप हैं। और भाई उधर सामने देखो वो वाले जो पहाड़ है ना, वो वाले भाई क्या नज़ारा है, मतलब बिल्कुल वहाँ क्या स्नोफॉल हो रही होगी गजब। भाई एक टायर पंचर हो गया अपनी एक थार का, तो विक्रम बना सामान निकाल रहे हैं, विक्रम बना के पास एकदम हाई टेक टूल्स हैं, सब ऐसे टूल्स हैं कि 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। तो ये बनाने अपने सब टूल्स निकाल लिए हैं, ये हाइड्रोलिक जैक है या इलेक्ट्रिक जैक है? इलेक्ट्रिक, मतलब इसमें ऑयल वॉयल थोड़ी डलता है? नहीं। अच्छा खाली इलेक्ट्रिक फंक्शन है, बंद कर दो, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इग्निशन ऑन कर दो। थार में जैक कहाँ लगता है भाई? थोड़ी सी तो जान लगानी पड़ती है ना। भाई साहब फुल टीम वर्क से काम चल रहा है, मतलब इतनी तेज जितनी तेज वहाँ फॉर्मूला वन में चेंज होता है ना वही स्पीड है अपनी, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाया हमने। भाई लंच करने के लिए रुके हैं, आज दाल रोटी खाने का मन है, तो ढाबे का नाम है 101 किलोमीटर ढाबा, उम्मीद है यहाँ पे दाल रोटी अच्छी मिल जाए। जिस ढाबे पे रुके हैं भाई 101 किलोमीटर ढाबा, उसका 101 नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से तुरतुक भी 101 है, यहाँ से ले भी 101 है, और यहाँ से सियाचिन भी 101 है, ये इन्होंने मैप बना रखा है। ये भाई जहाँ पे हमने लंच किया वहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है सियाचिन के लिए और ये लेफ्ट में जा रहा है नुब्रा वैली के लिए, तो हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली की तरफ। सियाचिन जाने का इस बार कोई प्लान है नहीं, खाना बहुत बढ़िया था भाई इसका, 101 किलोमीटर ढाबा खाना बहुत शानदार था, मज़ा आ गया खाना खा के। अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं डिस्किट मॉनेस्ट्री डिस्किट, और सामने का नज़ारा देखो, नीचे नदी बह रही है भाई, पूरा पूरा क्लियर, मतलब मैदान सा है, नदी का पानी तो थोड़ा सा है बट जितना भी पानी है
वो पानी भी इतना क्लियर है, इतना क्लियर है पूछो मत। और सामने पूरे ये देखो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पहाड़ है, अलग अलग टाइप के पहाड़ है, वो ऊपर चोटी पे बर्फ गिरी हुई है। मतलब जब विंटर्स के टाइम तो मुझको लगता है कि यहाँ सब पूरी जगह बर्फ ही बर्फ रहती होगी। भाई डिस्किट मोनेस्ट्री का गेट है क्या, नाम बड़ा टिपिकल है, दीक्षित निकल जाता है कई बार मुंह से, डिस्किट मोनेस्ट्री। तो इसकी मोनेस्ट्री की जो डिक्सिट मोनेस्ट्री की एंट्री टिकट है 40 रुपए पर पर्सन। रूम्स अवेलेबल, अच्छा ऊपर रूम्स भी है क्या रहने के लिए, ये भी बात सही है। तो एंट्री टिकट लेने के बाद भाई अब हम जा रहे हैं, बुद्धा का स्टेचू है 106 फीट का यहाँ पे इस मोनेस्ट्री में, वहाँ जा रहे हैं भाई। ये जो है ना 14th सेंचुरी ओल्ड मोनेस्ट्री है, इस पर टिकट पे लिखा हुआ है 40 रुपये इसकी मेंटेनेंस और रिनोवेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये है भाई 106 फुट की बुद्धा की मूर्ति, 14th सेंचुरी ओल्ड है, जो कि दीक्षित मोनेस्ट्री में है। भाई ये देखो सामने पूरी वैली नज़र आ रही है, और मतलब दूर दूर तक पूरी वैली है, बीच में कुछ रिजॉर्ट्स होटल्स वगैरह शायद बने हुए हैं, और सामने मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक वैली ही वैली है। ये जो डेजर्ट है ना भाई सामने, ये जो राइट में ये जो डेजर्ट है, ये वर्ल्ड का कोल्डेस्ट डेजर्ट है, और पूरे वर्ल्ड में दो ही जगह कोल्डेस्ट डेजर्ट है, इंडिया में और दूसरा इसका थोड़ा सा पार्ट पाकिस्तान में है, तो वो बस, उसके अलावा कोल्ड डेजर्ट कहीं पे भी नहीं है। मतलब रेत है ये पूरी, और रेत ये इतनी ठंडी हो जाती है, मतलब इससे ज्यादा ठंडा कोई भी डेजर्ट है नहीं वर्ल्ड में। ये है देखो भाई, ये पूरा डेजर्ट ही डेजर्ट, यहाँ क्लियर व्यू आएगा, एकदम क्लियर व्यू। ये देखो मतलब जैसे ड्यून्स है ना, जैसलमेर की ड्यून्स है वैसी ही ड्यून्स है, मतलब उतनी हाइट पे नहीं है बट पूरा रेत का डेजर्ट है। भाई ये सामने जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड में यहाँ पे सारे कैंप्स के नाम लिखे हुए और उनकी डायरेक्शन है कि कौन सा सीधा है, कुछ लेफ्ट में है, कुछ राइट में है, कुछ सीधे में है। तो भाई फाइनली हम लोग 4:15 बजे पहुंच गए हैं अपने कैंप्स में। सारे ये आप देख रहे हो सामने 14-15 कैंप्स हैं, इसी में से एक अपना भी है, और तिरंगा लहरा रहा है शान से। तो भाई एक घंटा आराम करने के बाद अब वापस से निकल गए हैं घूमने, अभी जा रहे हैं शायद कोल्ड डेजर्ट में, देखते हैं वरना कहाँ लेकर जाते हैं। तो आ गए भाई डेजर्ट में, और भाई भीड़ देखो किस चीज की भीड़ है ये, भाई साहब दबा के लोग आए हुए, दबा के दुनिया भर के टेम्पो ट्रेवलर है, पता नहीं कितनी भीड़ है, आदमी तो दिख नहीं रहे इतने जितनी गाड़ियां दिख रही है। गाड़ी देखते हैं भाई कहाँ लगा पाएंगे हम लोग। तो भाई अपनी ये सारी गाड़ियाँ लगा दी अपने डेजर्ट में, ये देखो यहाँ टायर दस गए थोड़े थोड़े, अभी निकालेंगे जब देखेंगे, खैर निकल तो जानी चाहिए नहीं तो वाकम कर लेंगे। बाकी सारी गाड़ियाँ आ गई अपनी। ये भाई हुंडर सैंड ड्यून्स के बारे में लिखा हुआ है ना, सिल्वर 4000 मीटर के ऊपर। आ जा भाई आ जा, यहाँ भी टोकन सिस्टम चल रहा है भाई फोटो खिंचाने का, हवा चल रही है फुल स्पीड में भाई, फुल स्पीड में हवा। और हम सोच रहे थे ये गाड़ियों के जो लोग हैं ना, ये जो गाड़ियाँ इनके लोग कहाँ हैं भाई, ये इनके लोग वो हैं आगे सारे, ये देखो ये सारी पब्लिक भाई। डबल हम्प के कैमल होते हैं यहाँ पे है ना, शायद ये लद्दाख रीजन में होते हैं, हमारे राजस्थान में तो नहीं होते डबल हम्प वाले। और इनके देखो कितने बाल हैं भाई, ये देखो हाइट बहुत छोटी है और बाल इतने बड़े बड़े हैं इनके। ये भाई हमारी चारों ATV लाइन अप हो गई हैं, और बैठ जाओ भाई, राघव चला रहे हैं, भाई साहब चला रहे हैं, फोटो कोई और खींच देना, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना। और अपने HR 26 वाले दोनों भाई हैं, चलो जी निकल गए, दो तो निकल गए भाई और दो रह गए पीछे। हाँ लो जी, अरे कुत्ते उत्ते में तो मार देना रास्ते में। तो फर्स्ट तो आ गए रेस में भाई साहब, सेकंड कौन आ रहा है ये, अच्छा अपना HR 26 वाला भाई आ रहा है यार, भाई वो भाई उड़ा मुन्ना दिए ये भाई राघव भी आ गया, मजा आया ना राघव, कैसा रहा, मस्त है, मजा आया। अब भाई इस रूट को एंजॉय करो, ये देखो डेजर्ट के साथ साथ से रूट निकल रहा है,
मतलब सात के बीच में, और ये साइड में हल्की सी नदी बह रही है। ओ भाई ओ हो, गाड़ी रिपोर्ट। अच्छा खुद ही कर रहे हैं, वो तो ड्रिफ्टिंग मार रहे हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखो ये किसी भाई ने टेंट लगा रखा है, अब यहाँ रुकेंगे जाएंगे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो बना रहे हैं सारा तामझाम। ये देखो बहुत ही बढ़िया एंजॉय करते हो जा रहे हैं। तो भाई नुब्रा में फिर से एक बार चढ़ गई अपनी आंटी।